Now next one, after discussing about basics points about functions, what is the advantage of functions or purpose of functions? Next one, how to creating user defined functions in C language or process of creating user defined functions in C language. Generally function creation process two steps में divide करना possible होगा, function headers और function body part. Function creation process can be divided into two sessions, function header or we can say header of the functions. Header is also known as function declarations. Header means providing function declarations. Second session function body. Second session is function body, header and body sessions. Function header के केस में total 4 informations provide करना possible. First one, return type of the functions. Return type of the functions. जब भी कोई functions create करें, सबसे पहले आपको identify क्या करना है? इस जब भी इस functions का executions complete हुआ, इस functions के थ्रू किस type का result return करना possible हुआ? Which types of value returned by this function after execution is completed? Or whenever execution is completed. Return type. Return type means return type के places पर provide करेंगे any valid data type in place of return type of the functions. Any valid data type. Suppose that अगर किसी function से किसी भी type का कोई value return नहीं कराना था, इसका return type use करेंगे always as void type. Always as void type. Next one, function declaration style. Function declaration style. Declaration style के according बात कर रहे हैं, किसी भी C language के अंदर generally two types के functions define करना possible है, C declaration और Pascal declarations. Function declaration style describe करें, अब इस function argument और function parameter किस sequence में process होंगे. For examples, अगर कोई function write down के like integer, function name as m1, argument type as or some other keys, we are calling some function as like plus plus a comma plus plus a. इस केस में जब भी इस functions का execution complete हो, तो executions के according पहले first expression solve होगा और second expression solve होगा, depends upon declaration style. अगर आप Pascal declaration use करोगे, Pascal declaration के according फंक्शंस के आर्गुमेंट प्रोसेस करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट आर्गुमेंट सॉल्व हुआ, देन सेकंड आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू पास्कल डिक्लेरेशंस. दूसरा केस क्या है, सी डिक्लेरेशंस. सी डिक्लेरेशंस, सी डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग पहले लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, देन इट्स प्रीवियस एक्सप्रेशन मींस अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस. इन केस ऑफ सी दिस वन इज अ case of Pascal declaration, this is a case of C declaration. सारे केस अगेन बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल्स. इस फंक्शन किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टाइल क्या पॉसिबल आर इधर पास्कल और सी डिक्लेरेशन. सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी प्रीडिफाइन लाइब्रेरी फंक्शंस है, सभी फंक्शंस फॉलो करते हैं ऑलवेज सी डिक्लेरेशन. दिस इज द डिफॉल्ट डिक्लेरेशन स्टाइल ऑफ एनी फंक्शंस. अगर किसी फंक्शंस का डिक्लेरेशन टाइप प्रोवाइड नहीं किया, देन सॉरी डिक्लेरेशन स्टाइल अगर प्रोवाइड नहीं किया, देन उसके साथ डिफॉल्ट टाइप क्या हुआ, सी डिक्लेरेशन. सिमिलरली अगर डिक्लेयर डेटा टाइप या रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं किया, देन डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या रहेगा. इन केस ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के केस में डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फॉलो द ऑलवेज वॉइड. इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के केस में डिफॉल्ट रिटर्न टाइप यूज होता है ऑलवेज इंटीजर. वन मोर थिंग स्पेशली याद रखना आपके लिए, इस केस में कन्फ्यूजन जनरेट होने के चांसेस हैं. अगर आप C++ का आईडी यूज करो या C++ कंपाइलर यूज करो, इसके साथ C प्रोग्राम के अकॉर्डिंग C प्रोग्राम के अंदर भी फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर नॉट अ वॉइड. मींस C के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट यूज होता है ऑलवेज वॉइड नॉट अ इंटीजर. लेकिन C++ के केस में डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर. का C लैंग्वेज प्रोग्राम C++ एडिटर के थ्रू एग्जीक्यूट करा रहे हो या C++ एडिटर के थ्रू राइट डाउन करके बाद में C++ कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ, देन इसके अकॉर्डिंग ऑलवेज डिफॉल्ट रिटर्न टाइप कंसीडर ऑलवेज इंटीजर. नेक्स्ट वन, डिफॉल्ट डिक्लेरेशन स्टाइल इज पास्कल डिक्लेरेशंस, सॉरी सी डिक्लेरेशंस. नेक्स्ट वन, फंक्शन नेम. जब भी किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है, नेम ऑफ द फंक्शंस. फॉर एग्जांपल्स,
प्रिंट एफ फंक्शंस को जब भी एग्जीक्यूट कराना था उसके इसमें यूज किया जाते नेम एज प्रिंट एफ, सी एल आर एस सी आर के केस में ऑलवेज यूज किया जाते नेम एज सी एल आर एस सी आर, विदाउट नेम कोई भी फंक्शन एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। मीन्स फंक्शन नेम कंसिडर करोगे एज अ इंटरफेस, इस फंक्शन को एक्सेस करने का ओनली एक ही अप्रोच होगा ओनली बाय यूजिंग फंक्शन नेम, और बाद में एक्सेस करेंगे आफ्टर मीन्स आफ्टर दैट सेशन ड्यूरिंग पॉइंटर्स, फंक्शंस को जनरली पॉइंटर्स के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट और वी कैन से पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन पैरामीटर लिस्ट मीन्स किसी भी फंक्शंस के थ्रू कितने इनपुट्स एक्सेप्ट होंगे, इनपुट्स का डेटा टाइप क्या होगा डिपेंड्स अपॉन फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फॉर एग्जांपल्स सम ऑब्जर्वेशंस, अगर मुझे टू नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन राइट डाउन करना था इसका फंक्शन डिक्लेरेशन स्टाइल क्या राइट करेंगे, ये सभी मैं डिक्लेरेशन स्टाइल मीन्स हेडर सेशंस की बात करवा देता है, हेडर सेशन फॉर फंक्शन डिक्लेरेशंस एडिंग टू नंबर्स। किसी भी फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शंस, जनरली फंक्शन नेम कोई भी वैलिड यूजर आइडेंटिफायर नेम यूज करना पॉसिबल, यूज किया करो ऑलवेज सम मीनिंगफुल नेम, मीनिंगफुल नेम विच मीन्स विच विल प्रोवाइड्स और इंक्रीजिंग रीडेबिलिटी मोड ऑफ द प्रोग्राम्स। रीडेबिलिटी मोड मीन्स फंक्शन नेम के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर टू नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन क्रिएट करना तो इस केस में फंक्शन का नेम एम वन एम टू और ए बी सी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन आपको यूज क्या करना चाहिए सम मीनिंगफुल नेम अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन का नेम यूज कर रहा है सब्ट्रैक्शन लेकिन ऑपरेशंस प्रोवाइड कराएगा एडिशन, इट इज मीनिंगलेस मीन्स एरर कोई भी रेस नहीं हुआ, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। ऑलवेज नेम क्या समझिए शुड बी मीनिंगफुल, फंक्शन नेम शुड बी मीनिंगफुल, एम वन एम टू या एक्स वाई जेड डिफाइन करके फंक्शन का नेम यूज करेंगे समथिंग एड लाइक दिस द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम प्रोवाइड करने के जस्ट बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग दिस फंक्शन। अगर आप टू नंबर्स को ऐड करना चाहते हो या टू नंबर्स को ऐड करने में इंटरेस्टेड हो देन इनपुट्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, टू इनपुट्स। नेक्स्ट वन, किस टाइप के नंबर्स ऐड कराना चाहते हैं, अगर फ्लोट टाइप के नंबर ऐड कराना देन इनपुट का डेटा टाइप यूज करेंगे एज अ फ्लोट, अगर इंटीजर टाइप्स के नंबर ऐड कराना देन डेटा टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर। मीन्स दिस लिस्ट कैन बी कंसिडर्ड फंक्शन पैरामीटर लिस्ट, फर्स्ट वन इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, इस केस में एक्स और वाई प्रोवाइड क्या करेंगे इनपुट टू दैट फंक्शंस। नेक्स्ट वन, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज होना चाहिए, जब टू नंबर्स को ऐड कराएंगे मीन्स नंबर का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, इंटीजर का एडिशन भी क्या आएगा ऑलवेज इंटीजर, इसलिए रिटर्न क्या हुआ इंटीजर टाइप का वैल्यू, इसलिए रिटर्न टाइप फॉलो करेंगे एज अ इंट। अभी मैं सिंपल रूल एक्सप्लेन करूँ, बाद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन, फंक्शन हेडर ऑलवेज टर्मिनेट किससे होगा, मे बी सेमी कॉलन मीन्स दिस द फर्स्ट केस, या तो इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पॉसिबल या फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका फंक्शन बॉडी भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है। मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन सेपरेटली प्रोवाइड करना पॉसिबल है और एज अ सिंगल यूनिट भी प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा। इस केस में डिक्लेरेशन स्टाइल प्रोवाइड नहीं किया, डिफॉल्ट डिक्लेरेशन स्टाइल क्या रहेगा इसका सी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन स्टाइल से रिलेटेड रूल्स में बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस क्या रहेगा, फंक्शन बॉडी सेशन। वन मोर थिंग्स, फर्स्ट केस रिटर्न टाइप मीन्स दैट वन इज अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, रिटर्न टाइप के बेसिस पर आइडेंटिफाई हो रहा है इस फंक्शन से किस टाइप का वैल्यू रिटर्न होने वाला समथिंग इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन, इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए नेम यूज क्या करें इस केस में एज अ एड, देन टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, देर आर टू इंटीजर नंबर्स, डिक्लेरेशन टाइम पर वेरिएबल का नेम पास करना कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिक्लेरेशन लाइक दैट मीन्स इंट कॉमा इंट, दिस इज द डिक्लेरेशन और वी कैन से फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर। नेक्स्ट वन, उसका जब फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड करें देन डेफिनेशन के साथ अगेन फिर से फंक्शन हेडर प्रोवाइड करना कंपल्सरी हुआ, और दूसरा केस क्या है सेम टाइम पर या सेम प्लेस पर डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन राइट डाउन करना पॉसिबल है लाइक दैट इंटीजर एक्स
इंटीजर वाई। अगर डिक्लेरेशन को डेफिनेशन के साथ मर्ज करें देन वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडिंग टू नंबर्स। जब भी टू नंबर एक्स और वाई को ऐड कराएं इसका रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू यूज कराएंगे समथिंग रिजल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट वन फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कराएंगे इट्स कॉलिंग प्लेस रिटर्न रिजल्ट देन क्लोजिंग बॉडी ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट वन मीन्स दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसिडर्ड एज फंक्शन हेडर दैट ब्लॉक इज कंसिडर्ड एज फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल है। नेक्स्ट में फंक्शन हेडर के अंदर प्रोवाइड क्या करोगे, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ हेडर से रिलेटेड, इसे हेडर सेशन क्या है कंपाइल टाइम इन्फॉर्मेशन। इस हेडर सेशन के अंदर कभी भी कोई लॉजिक्स नहीं होंगे सिंपली इन्फॉर्मेशन से। इस हेडर सेशन किस टाइप का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा कॉलिंग टाइम पर किस टाइप का वैल्यू रिजल्ट रिटर्न होने के चांसेस है इंटीजर। रिटर्न के अंदर रिटर्न आर्गुमेंट क्या प्रोवाइड किया, रिजल्ट और रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, इसलिए रिटर्न टाइप भी क्या है ऑल्सो इंटीजर। फंक्शन रिटर्न टाइप और फंक्शन रिटर्न वैल्यू ऑलवेज कैसे होना चाहिए, शुड बी सेम टाइप्स। नेक्स्ट वन इस फंक्शन के थ्रू कितने वैल्यू एक्सेप्ट करना पॉसिबल, ओनली टू नंबर्स। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई और रिजल्ट वेरिएबल्स। देखा जाए तो एक्स और वाई का टाइप क्या है इस केस में लोकल वेरिएबल्स, रिजल्ट का भी टाइप क्या है ऑल्सो लोकल वेरिएबल्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल इनसाइड बॉडी ऑफ फंक्शन और डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल एज अ फंक्शन हेडर, इन दोनों में प्रैक्टिकल डिफरेंसेस क्या है। इस रिजल्ट के अंदर वैल्यू ओनली विद इन अ बॉडी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन एक्स और वाई का वर्किंग क्या है, एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर प्लेस और एक्सटर्नल प्लेस और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। दिस वेरिएबल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू दिस फंक्शंस। इसे अगर कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और वैल्यूज अवेलेबल हैं, एक्सटर्नल वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए यूज क्या करेंगे फंक्शन पैरामीटर्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल्स इम्प्लीमेंटिंग मेन फंक्शंस void main, void main, main की किस्म अगर टू नंबर एड कराना है इस केस में यूज किया इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड सम अनदर वेरिएबल एज c, वी आर कॉलिंग c इक्वल्स टू एड सप्लाइंग a कॉमा b देन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ c परसेंट d वैल्यू ऑफ c लाइक दैट। फिर इस केस में जितने भी की टर्म्स इसके सारे के सारे की टर्म्स राइट करूँ, इन दैट केस इंटीजर इज अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शंस, दिस वन इज नॉन एज रिटर्न टाइप। एड इज अ फंक्शन नेम, एड इज अ नेम ऑफ द फंक्शन एंड एक्स एंड वाई इज अ फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर लिस्ट और अदर नेम्स क्या हैं ऑल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स, ऑल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और सिंपली वी कैन से ओनली पैरामीटर्स, ओनली पैरामीटर्स। इसे सारे सारे केस क्या है की पॉइंट्स ऑफ द फंक्शंस। दिस वन दिस सेशन इज कंसीडर्ड एज बॉडी ऑफ द फंक्शंस देन दैट पार्ट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीटली हेडर ऑफ द फंक्शंस। नेक्स्ट वन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के केस में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नेम देंगे एज अ, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, दिस वन इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट।
सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट पॉसिबल लाइक इफ स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, सिमिलरली इसका भी टाइप क्या फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, ओनली दैट पार्ट्स। इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस में टू फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फंक्शन नेम एज मेन और फंक्शन नेम एज एड। इस केस में एड इज एडिशन फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में मेन को कंसीडर करें, मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन, मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन टू द एड, मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन एंड फंक्शन नेम मीन्स इसके अलावा कॉल क्या हो रहा है इस केस में फंक्शन नेम एज एड। इस स्टेटमेंट का टाइप क्या फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, लेकिन इस कॉलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग एड को कंसिडर करेंगे एज अ कॉल्ड, एड इज अ कॉल्ड फंक्शंस। जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा इसके इसमें टू टाइप्स के फंक्शन पार्टिसिपेट होंगे, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शंस। जिस फंक्शंस को आप कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को नेम दोगे एज अ कॉल्ड फंक्शन, प्लस जो फंक्शन कॉल हो रहा है सॉरी जिस फंक्शंस के बॉडी पार्ट में आप कॉल कर रहे उस फंक्शंस को नेम दोगे एज अ कॉलिंग फंक्शंस। नेक्स्ट वन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज रिटर्न स्टेटमेंट, नोन एज रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, देन जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले आप एक की टर्म सारे के साथ राइट डाउन को देन चेक करें प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस टाइप से परफॉर्म हो रहा है, मीन्स फाइनली फंक्शन क्रिएशन प्रोसेस टू स्टेप्स एंड डिवाइड, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। किसी भी फंक्शंस को क्रिएट करने का इनिशियल स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए इस फंक्शंस के थ्रू किस टाइप के ऑपरेशंस प्रोवाइड करना है, किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, जिस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग नेम प्रोवाइड करेंगे। देन एनालाइज करोगे इस फंक्शंस का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फंक्शंस के थ्रू किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न होने के चांसेस हैं या किस टाइप का वैल्यू रिटर्न होने के चांसेस हैं, ये पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोवाइड क्या करोगे रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शंस। नेक्स्ट वन, इस फंक्शंस को कॉल करने के लिए टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, इसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड क्या करें, नंबर ऑफ पैरामीटर डिक्लेरेशन लिस्ट विद डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वन, फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी के अंदर प्रोवाइड करें एक्चुअल लॉजिक ऑफ द फंक्शंस, एवरी टाइम किसी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन किसका बॉडी ऑफ फंक्शन, मीन्स अगर आप कहीं भी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन किसका होगा करेस्पॉन्डिंग बॉडी सेशन। नेक्स्ट वन, दिस स्टेटमेंट इज नॉन ए रिटर्न स्टेटमेंट, दिस वन इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट ए एंड बी, एक और किसके इन्वॉल्व हुआ एक्स वाई और ए बी, एक्स और वाई को कंसिडर किया था फंक्शन पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्गुमेंट और सिंपली पैरामीटर्स। सिमिलरली ए और बी को इस केस में कंसिडर करें, हियर ए एंड बी इज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एड फंक्शन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स। मीन्स एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स के नेम सेम भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट नेम भी यूज करना पॉसिबल है। देन अ पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोग्राम सिस्टम के अंदर किस टाइप से प्रोसेस हुआ, देन नेक्स्ट केस में एक्सप्लेन करूँगा मीन्स हाउ टू एग्जीक्यूटेड दिस फंक्शंस, इसका एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करूँगा इन केस ऑफ नेक्स्ट सेशन। उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज द मीन बाय वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट केसेस।